हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर सेक्शन। सो अगेन मार्केट क्लोज लो, बट 22,120 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो क्या लग रहा है, मार्केट क्या तेजी आएगी, मंदी आएगी, क्या होगा? लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी है, क्या लग रहा है? सो आई एम गोइंग टू डिस्कस निफ्टी बैंक निफ्टी कपल ऑफ स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स दे सकता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वॉच टिल एंड। इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे। एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में चार्ट्स डालता हूँ मैं, बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ। यस, सो दिस इज माय हैंडल एट HT। सो लेट्स सी क्या लग रहा है मार्केट, क्या लग रहा है। सो मार्केट अभी भी रेंज में चिपका है, ये जो ठीक है रेंज के बाहर आ गया है, बट जो मूवमेंट मिलना चाहिए वो रेंज के बाहर मूवमेंट मार्केट में अभी मिल नहीं रहा। राइट, जो ब्रेकआउट देखो, यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद देखो जैसे मोमेंटम मिला वैसे अभी यहाँ पे नहीं मिला। तो डेफिनेटली थोड़ी थोड़ा बहुत थोड़ा वो सस्पिशियस लगता है, लेकिन लेट्स सी कल क्या करता है मार्केट। अभी ये वीक में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट क्या करता है, कहाँ क्लोज देता है, उसके ऊपर मार्केट का फ्यूचर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ओवरऑल देखो मेरा व्यू काउंट सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। देखो यहाँ पे मार्च से 1 और 2 हो गया, फिर वापस 1, और ये अभी अभी ये हमने यहाँ पे 2 लिया है, राइट, WXY वाला। बट उसके बाद जो 3 हम बोल रहे हैं वो 3 का मोमेंटम नहीं आ रहा मार्केट में, राइट, 3 का मोमेंटम नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम रुके हैं। राइट, ब्रेकआउट आया फिर वापस ब्रेकआउट के अंदर गया, वापस ब्रेकआउट आ गया, वापस ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया है। सो मींस पता चल रहा है कि बुल्स के पास अभी इतना स्ट्रेंथ तो अभी फिलहाल तो है नहीं अभी, मींस क्योंकि जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया था तो एक बार ब्रेकआउट आने के बाद उसके बाद दिखा ही नहीं वो भाव वापस मार्केट में, राइट, ब्रेकआउट आने के बाद भाव दिखा नहीं, या फिर यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद भी देखो यहाँ पे थोड़ा किया था मार्केट ने साइडवेज, बट ऊपर गया, ओवरऑल मार्केट ऊपर गया, या फिर यहाँ पे अगर हम बोलते हैं ब्रेकआउट किया, एक बार रिटेस्ट किया और फिर ऊपर गया। सो क्या अभी रिटेस्ट चल रहा है, अभी थोड़ा मार्केट मोमेंटम गैदर कर रहा है और फिर मार्केट बड़ी तेजी देगा, या जैसे हम बोल रहे थे कि बी वेव है, अभी भी बी वेव का मैं अभी फिलहाल तो नहीं ले रहा इतना, उसको मैं रिजेक्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन मेरा बायस बी वेव का नहीं है। यस, हमारा बायस ये है कि थर्ड वेव मोस्टली स्टार्ट हुई है, बट ऑब्वियसली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, ओवरऑल मार्केट कैसे बिहेव करता है। ओके, उसके लिए आपको देखो एक एक चीज मैं बोल रहा हूँ, फ्री का इलियट वेव बुक है जो हमारे वेबसाइट पे है, ये एक फ्री इलियट वेव कोर्स है जो आप सीख सकते हो, जिसमें मैंने पैटर्न सिखाई है इलियट वेव के, और ये फ्री इलियट वेव बुक है। अगर ये बुक पे रजिस्टर करते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया है, हमारे वेबसाइट पे भी है, ट्विटर पे भी ट्वीट किया है फ्री बुक। यस, मेरे व्हाट्सएप चैनल में भी है, हाँ हमारा व्हाट्सएप चैनल है, मेरे व्हाट्सएप चैनल में मैं डेली शेयर करता हूँ इंट्राडे लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी, ये मेरा लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, यहाँ पे देखो आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल को ये लिंक से, राइट। और अगर बुक अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल में है, ट्विटर में है, यूट्यूब में है, डिस्क्रिप्शन में है, यस यूट्यूब पे कम्युनिटीज में भी शेयर किया है, तो आप ये वेबसाइट पे आओगे आपको यहाँ पे बुक मिल जाएगा। इसमें पूरा हर एक वेव का कैरेक्टरिस्टिक मीन्स सभी लिखा है, ऑब्वियसली मैंने यही बुक से इलियट वेव सीखा है, और फिर मीन्स बहुत प्रैक्टिस कर करके अभी फाइनली ट्रेडिंग सीखी, तो हर एक वेव की कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब हम बोलते हैं कि थर्ड वेव में मार्केट है, तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में रैली आनी चाहिए, ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में ब्रेकआउट आके रैली आनी चाहिए, अभी फिलहाल तो मींस निफ्टी ब्रेकआउट पे आके रुका है, राइट। सो हम ऑब्जर्व करेंगे कैसे ब्रॉडर मार्केट कर रहा है बिहेव, कैसे निफ्टी बिहेव कर रहा है, और फिर डिसीजन लेंगे। तो इंट्राडे चार्ट पे अभी आते हैं, तो देखो यहाँ पे सिंपल हम बुलिश स्ट्रक्चर मान के ही चल रहे हैं फिलहाल, अभी अगर हम बुलिश अजम्पशन करके चल रहे हैं, देखो यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट आई, वापस आज 50% रिट्रेसमेंट आई, पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, देखो यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, यहाँ पे भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस था, एक बार यहाँ पे भी वापस नीचे आया था, यहाँ पे भी नीचे आया, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये इंपॉर्टेंट है, मीन्स
सिमिलर स्ट्रक्चर है दोनों टाइम। देखो 50% रिट्रेस किया यहाँ पे, फिर 50% रिट्रेस किया यहाँ पे, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया 15 मिनट्स पे। यस, यहाँ पे भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया आया 15 मिनट्स पे। एक बार नीचे आ गया, यहाँ पे भी एक बार नीचे आ गया, लेकिन ब्रेकआउट आना एक बार, यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद मूव आई। तो अभी अगर कल 22160 के ऊपर ब्रेकआउट आता है, ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है 22160-170 के आसपास, अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली हम बोल सकते कि नया वापस एक अप ट्रेंड आएगी मार्केट में, मोस्टली जिसको हम थर्ड वेव गिनेंगे। यस, अभी क्या गिन रहे हैं, 1 और 2, 1 और 2। क्या ये कुछ अलग हो सकता है, क्या मार्केट नीचे जा सकता है? यस, एनीथिंग इज पॉसिबल अनलेस एंड अंटिल वी गो अबाउट 22392, जो मींस बी वेव का रिजेक्शन का पॉइंट है 22392। अभी तक उसके ऊपर गए नहीं है, 22130 का जोन छुट्टा नहीं है मार्केट से, मीन्स ऊपर जाके वापस नीचे आ रहे हैं। मीन्स क्या पकड़ के रखा है मार्केट को, इतना क्यों पकड़ के रखा है मार्केट को, वो जानना जरूरी है। तो देखो सिंपल मैं बोलता हूँ, आज का लो अगर ब्रेक होगा तो मार्केट में वीकनेस आएगा। देखे क्या पैटर्न बनता है, देखो कप एंड हैंडल, रिवर्स कप एंड हैंडल, अगर वो ब्रेक होता है तो वीकनेस आएगा डेफिनेटली। यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे भी छोटा एक बन रहा है पैटर्न, अगर इसका ब्रेक आता है तो मार्केट में तेजी हो, राइट? इसका ब्रेक आता है वापस 160 के ऊपर तो मार्केट में तेजी आएगी, तब तक डाइसी है बोलना। मैं ये नहीं बोल रहा मंदी आएगी या तेजी आएगी, सिंपल मैं लेवल दे रहा हूँ 22090 का ही पकड़ लो 50%। अगर वो ब्रेक होता है चांसेस है मार्केट नीचे जाएगा, 22160 के ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। हम कोई भी साइड का बायस रख नहीं रहे मार्केट में, यस, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कभी अभी मार्केट ने आज कोई भी एकदम सॉलिड पैटर्न भी नहीं दिया है कि ब्रेकआउट आ गया, नहीं, या फिर ब्रेकडाउन आ गया, वो भी नहीं, ना ब्रेकआउट है ना ब्रेकडाउन है। सपोर्ट पे होल्ड किया है, जो 22122 का लेवल है, जो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उस पे होल्ड किया है। तो ना ही तो मार्केट वीकनेस दिखा रहा है, ना ही तो मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मीन्स अभी क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते, सिंपल। तो लेवल दे रहा हूँ सिंपल, आज के लो के नीचे वीकनेस, आज के हाई के ऊपर, आइडियली आज के हाई के ऊपर तेजी आएगी, राइट? बैंक निफ्टी में भी सेम है, आज के लो के नीचे जाएगा तो नीचे एक सपोर्ट है, ये 13 डे मूविंग एवरेज जो है मेरा 46 टू 4 टू 6 पे सपोर्ट आ रहा है। यस, अगर उस जब तक उसके नीचे नहीं जाता वीकेंड, अभी ये क्या हो सकता है, ये 1 और 2 हो सकता है बैंक निफ्टी, राइट? जैसे निफ्टी में बोल रहा हूँ ये 1 और 2 हो सकता है, वैसे बैंक निफ्टी में भी हो सकता है, पॉसिबल। अभी बोलना डाइसी है। हम कब बोलेंगे कि 3 आ गया, जब मार्केट ये लेवल ब्रेक करके ऊपर जाएगा। आज देखो, आज एक बार बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया था, लेकिन वो फेल होके वापस भाग, बैंक निफ्टी डे लो पर आया। सेम देखो, यहाँ जैसे हुआ था वैसे ही मार्केट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट वापस ऑलमोस्ट डे लो पर आया, राइट? तो ये लेवल ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, 46,800 ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जाएगा तो ही मार्केट में तेजी आएगी, अदरवाइज ये डबल टॉप भी हो सकता है। यस, डबल टॉप का अगर ब्रेकडाउन आता है ये लेवल के नीचे, 46,370 के नीचे, अभी 46,426 बन रहा है बराबर, तो उसके नीचे ब्रेकडाउन आता है तो फिर मार्केट खराब कर देगा, सिंपल। लेवल टू लेवल प्ले करो, ये डबल टॉप का ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट खराब कर देगा। अगर नहीं तो हम बोल सकते हैं कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, लेकिन 1-2 कब बोलेंगे, जब ये लेवल ब्रेक होगा, 46,800 का लेवल ब्रेक होगा तो ही बोलेंगे कि 1-2 होके मार्केट थर्ड में ऊपर जाना चाहिए, तब तक वी कांट से एनीथिंग, राइट? सो वेट। तो आप बोलेंगे मीन्स ये क्या है, मीन्स कौन सा वेव काउंट है, वेव काउंट आपको क्लियर नहीं है, कोई तो बोल रहा था कॉन्फिडेंस नहीं, अरे भाई मार्केट में कोई पैटर्न ही नहीं है। देखो कॉन्फिडेंस कब, मैं कॉन्फिडेंस से कब बोलता हूँ, जब मार्केट में पैटर्न होता है, जब मार्केट में बहुत पैटर्न होता है ना, मैं बोलता हूँ हाँ ये होगा, ये मत होगा ही होगा, मीन्स 99% वो होगा ही होगा। अभी मार्केट में पैटर्न ही नहीं है कोई, ना बुलिश पैटर्न है ना बेयरिश पैटर्न है। तो देखो ट्रेड पैटर्न करना है, हमें ट्रेड पैटर्न करना है, वही मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर इलियट भी सीखना है, यस वी हैव कोर्स कि कैसे ट्रेड करते हैं। जब तक कोई कंप्लीट, देखो इलियट पे ट्रेड करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक कंप्लीटेड पैटर्न होना चाहिए कि भाई 1 2 3 4 5 रैली, अभी जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी के 1 2 3 4 5 रैली दी, ये क्लियर 5 वेव नहीं है वो अलग बात है, बट पकड़ लेते कि 1 5 वेव्स आ गया यार,
तो वो रैली के बाद थ्री वेव करेक्शन कंप्लीट होके फिर उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट आना इम्पोर्टेंट है, तभी बोलेंगे थर्ड वेव आए, राइट। तो आइडियल क्या है कि ये जो हाई है, स्विंग हाई है, उसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो हम बोलेंगे कि वन और टू हो गया और थ्री हो गया। अदरवाइज हम बोल नहीं सकते वन और टू हो गया और थ्री आ सकता है। कंप्लीटेड पैटर्न के बिना, कोई कंफर्मेशन आए बिना जब हम प्रिडिक्ट करते तो फेल हो जाते हैं डेफिनेटली। तो अभी ना कंप्लीटेड पैटर्न है कोई भी, ना कोई मींस कंफर्मेशन है, राइट। तो आपको सीखना है कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे क्या पैटर्न देखना है, कौन सा वेव ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, एंट्री कहाँ पे करनी है, उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट कैसा निकालने का, वो सब अगर आपको सीखना है तो ये हमारा कोर्स है मास्टर ट्रेड के लिए फिर, जो आप कर सकते हो। आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना है सिंपल, जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये डबल टॉप ब्रेकडाउन है या फिर ये चैनल का ब्रेकआउट जो भी आएगा उसके ऊपर डिसाइड करेंगे, या फिर ये डेली पे, डेली के पे ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, राइट, मूविंग एवरेज, वो अगर सीखना है हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आप सीख सकते हो। दोनों सीखना है कंबाइन करके, तो 1699 में मैं दे रहा हूँ इलियट वेव और प्राइस एक्शन। देखो ट्रेड करने के लिए ना आपके पास पैटर्न होना चाहिए, पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, पहले तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए वो पैटर्न, कंप्लीट होना चाहिए वो पैटर्न। कंप्लीशन के बाद नेक्स्ट वेव के लिए आपको मार्केट से इनिशियल कंफर्मेशन चाहिए, जब तक वो नहीं होता आप ट्रेड नहीं लोगे। हाँ लोग फेल क्यों होते हैं, क्योंकि वो कोई भी पैटर्न कंप्लीशन के पहले ही हम प्रिडिक्ट करते कि हाँ ये पैटर्न कंप्लीट हो गया और इट रिवर्स करेगा, नहीं वैसे ट्रेड नहीं करते। तो सीखना है कैसे ट्रेड करते तो कोर्स सीख सकते हो, 1699 में मिल रहा है। आगे जाके प्राइस बढ़ेगा क्योंकि मैं आगे जाके वीडियोस थोड़ी दिन बाद एक्स्ट्रा वीडियोस डालने वाला हूँ, जो अभी सीखेगा उसको, अभी जो रजिस्टर कर रहा है उनको सेम प्राइस में मिलेगा। अभी जिन्होंने 1100 में कोर्स लिया उनको 1100 से 1 रुपया ज्यादा नहीं पे करना है, उनको सारे आगे के वीडियोस मिलने वाले। तो 1100 के बाद मैंने 2 वीडियोस ऐड किए जो उनको मिल रहे हैं, यस उनको मिल रहे हैं, यस। अभी आपको चाहिए तो 1699 में, आगे वीडियोस बढ़ेंगे प्राइस बढ़ेगा तो आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। ओके लेट्स कम टू मार्केट। तो अभी देखो मार्केट में अभी कोई पैटर्न ही नहीं है, अभी कोई पैटर्न ही नहीं है मार्केट, यस कोई कंप्लीटेड पैटर्न नहीं है, कुछ भी है नहीं, तो ट्रेड कैसे करें, राइट। मींस कौन सा मींस क्या देख कि मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, कोई कंप्लीटेड पैटर्न है ही नहीं, कोई ट्रिगर है नहीं, तो कहा मींस कॉन्फिडेंस से कुछ भी बोल देना क्या। हाँ लोग होते हैं कुछ भी बोलते थे कॉन्फिडेंस से, और फिर उनके लिसनर्स जो होते हैं, उनके जो व्यूअर्स होते हैं, वो फंस जाते हैं ट्रेड। तो मैं विदाउट कुछ भी पैटर्न बिना मैं कुछ भी बोलूंगा नहीं कि ये होगा वो होगा, मैं कुछ नहीं बोलता, पैटर्न आना चाहिए उसके बाद में बोलूंगा ये होगा, और वो होता है, वो होता है, देखा है जिन लोगों ने देखा है पैटर्न मेरा कितना सक्सेसफुल होता है लास्ट 3-4 साल से, जो देख रहे हैं वीडियोस देख रहे हैं या फिर मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है मेरा सक्सेस रेशियो, राइट। सो विल सी, अभी देखो ब्रॉडर मार्केट में मेरा व्यू थोड़ा अलग है, मींस पीएसयू बैंक में मेरा अभी भी व्यू थोड़ा कॉशियस है, क्योंकि मींस हाईली ओवरबॉट है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हो सकता है, पीएसयू बैंक करेक्ट हो सकता है, यस मिड कैप में थोड़ा बहुत ओवरबॉट जोन में गया है आज, लेकिन हाँ आज एक मजा आ गया, मिड कैप में रिकवरी आ गई, पूरी रिकवरी आ गई, ये ऑलमोस्ट 1.8% नीचे था पूरा रिकवरी, ये मिड कैप निफ्टी जो ट्रेड करते हैं वो रिकवर हो गया मोस्टली। तो ये 13-डे मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे जाता है तो खराब होता है। ओके कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, फिन निफ्टी क्या लग रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो फिन निफ्टी देखते हैं, तो फिन निफ्टी ये देखो ये मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है, 20,540 के आसपास, 20,540 का मूविंग एवरेज है, उसके नीचे जाएगा तो ही वीकनेस आएगा, कल शायद एक्सपायरी है तो वो नहीं ब्रेक करेगा, यस। तो कल के लिए फिन निफ्टी के लिए क्या लेवल है, तो देखो सिंपल अभी ये ट्रेंड चैनल में जा रहा है, फिन निफ्टी क्या कर रहा है ट्रेंड चैनल में जा रहा है, तो जब तक कोई भी साइड में भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता कुछ नहीं होगा। तो देखो कल अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है ना 20,700 के ऊपर, तो मार्केट में तेजी आ सकती है, राइट। और समझो इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है जैसे ये डबल टॉप बना तो मार्केट खराब कर सकता है। अभी यहाँ पे भी कोई कंप्लीटेड पैटर्न है नहीं, कोई भी कंप्लीटेड पैटर्न है नहीं इलियट वेव वाइज, यहाँ पे मुझे कोई भी एक क्लियर कंप्लीटेड पैटर्न दिख नहीं रहा, तो मैं
क्या बोलूं कि तेजी आएगी कि मंदी आएगी, कोई पैटर्न है ही नहीं, तो कैसे बोलूं? तो पैटर्न कंप्लीट होने दो, उसके बाद ही मैं बोलूंगा कि क्या होगा, राइट? अभी कोई पैटर्न कंप्लीट हुआ नहीं है, राइट? सो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में मिक्स व्यू है, स्मॉल कैप मिड कैप पे थोड़ा कॉशियस हूँ, पीएसयू बैंक पे कॉशियस हूँ, पीएसई पे भी मैं कॉशियस हूँ थोड़ा बहुत, मीन्स हाईली ओवरबॉट जोन में, तो ये ऐसा कंसोलिडेट हो सकता है फॉर अ टाइम बीइंग, इट कैन कीप कंसोलिडेटिंग, फिर निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन ये कंसोलिडेट करता रहेगा, आरएसआई को नीचे लाएगा, राइट? ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अभी अभी कुछ कुछ लोग बोल रहे कि आइडिया तो नीचे आ गया, अरे भैया आइडिया हमने कब शेयर किया था? यहाँ पे शेयर किया था, यहाँ से नीचे है क्या? नहीं, यस हमने यहाँ पे इंट्राडे में भी शेयर किया था, मैंने आइडिया मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया था कि आइडिया अच्छा लग रहा है, यस, तो इन जिन्होंने यहाँ पे लिया, मैंने तो यहाँ पे लिया, तो मेरे भाव से तो ऊपर है। और यार अभी सिंपल देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, इतना मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है, तो आपको क्या लग रहा है कि सीधा 1-2 दिन में स्टॉक भागने लगेगा? नहीं होगा, वो रिटेस्ट करेगा, शायद हो सकता है वापस नीचे भी आए, इसको वापस नीचे यहाँ तक भी आए, फिर वापस ब्रेकआउट आए, पॉसिबल है। अभी सिंपल मैं तो सिंपल रखूंगा, अगर ये 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाता है तो मेरा एक बार पोजीशन में निकाल दूंगा, मेरा यही पे बाएंगे, अराउंड 16 के आसपास ही बाएंगे मेरा, तो इसके नीचे जाता है तो मैं एक बार सोचूंगा पोजीशन निकालना है कि नहीं निकालना है। और अगर देखो समझो इसके ऊपर चला जाता है 17.75 जो आज का ओपनिंग प्राइस, तो मैं और ऐड करूंगा डेफिनेटली, यस। देखो यहाँ पे बाइंग के विथ वॉल्यूम बाइंग आया है, और आज का सेलिंग का वॉल्यूम इतना है नहीं फिलहाल, यस, बट हाँ ऊपर बाइंग आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाइंग आनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यस बैंक, किसी ने पूछा था क्या लग रहा है यस बैंक, तो आज यस बैंक तो नीचे है, तो ये भी देखो मल्टी ईयर पैटर्न है यस बैंक में, तो इतने जल्दी तो वो भागने नहीं वाला। देखो यहाँ पे मल्टी ईयर का यस बैंक में पैटर्न है, अभी 28 के ऊपर जाना चाहिए, अभी यहाँ पे फिलहाल तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिख रहा है, उसको रिटेस्ट करने आया है। वीकली पे क्या सपोर्ट है? ये वाला 24 के आसपास, 24.60 के आसपास, उसके नीचे जाएगा तो वो ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा देखो, लेकिन यहाँ पे बड़ी कैंडल आई है और वॉल्यूम भी अच्छी है, और यहाँ पे स्मॉल में वॉल्यूम ज्यादा है नहीं, राइट? सो मे बी वीक हैंड्स को बाहर निकल रहा है, इसके फंडामेंटल्स मैंने देखे नहीं तो मुझे पता नहीं, बट टेक्निकली तो अभी फिलहाल कुछ खतरा नहीं है इसमें, लेकिन मैं क्या बोलूंगा जो आज का हाई है उसके ऊपर जाता है तो ही आप सोचे कि इसको बाय करना है कि नहीं। मैं और आइडियली मैं क्या बोलूंगा 27.40, ये जो स्विंग हाई है अगर उसके ऊपर चला जाता है तो ही आप फ्रेश कुछ बाय के लिए सोच सकते हो, स्टॉप लॉस क्या रहेगा सिंपल टू ये स्टॉप लॉस, यस, बट बाय कब करना है? जब ब्रेकआउट आएगा तभी, सस्ते में नहीं लेना, हमें महंगा ही लेना है, सस्ता लेना नहीं है, सस्ते लोगे तो आप फंसोगे, तो ब्रेकआउट के बाद ही ले सकते हो। देखो एचएफसीएल जो हमने दिया था आज 2% ऊपर है, 2.5% ऊपर है, राइट? सो इट्स क्लोजिंग गुड, राइट? और वीकली पे भी अच्छा क्लोज आया है, देखो यहाँ पे मूवमेंट ब्रेकआउट है, हमारी बाइंग यहाँ पे है, बस मेरी बाइंग यहाँ पे है, तो मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक कहाँ आ जाए, यस आई एम अ इन्वेस्टर इन एचएफसीएल, आइडियली मेरी बाइंग यहाँ से है, कुछ ये लेवल से है मेरी बाइंग एचएफसीएल में, तो फिर एक बार मैंने निकाल दिया था 70 के आसपास, यस यहाँ पे मैंने निकाल दिया था 70 में निकाल दिया था मैंने, 85 तक रुका नहीं, फिर उसके बाद मैं 2 साल वेट कर रहा कि भाई कंसोलिडेट करे, करेक्ट करेगा, फिर उसके बाद मैं लूंगा, तो फाइनली जाके यहाँ पे लिया मैंने, यस मैंने यहाँ पे कुछ निकाला था, हाँ जल्दी निकाला था मैंने, 70 के आसपास निकाला था यहाँ पे, राइट? इतना पूरा होल्ड नहीं किया, 80-90 के 95 के आसपास में होल्ड नहीं किया मैंने, यहाँ पे निकाला 70 के आसपास, फिर उसके बाद मैंने पूरा 2 साल रुक के मैं यहाँ पे मैंने एंट्री की है, राइट? तो अभी मैं तो होल्ड करूंगा, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनके लिए है नहीं, राइट? ये एक अच्छा लग रहा है मुझे, भाग्य नगर देखो इसकी भी बाइंग मेरी नीचे की है, देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, ये देखो ब्रेकआउट है ये क्लियरली, उसके बाद भाग रहा है स्टॉक, वापस नीचे करेक्ट कर रहा है, अभी ये लेवल के ऊपर जाएगा ना 107 तो बाइंग आएगी उसमें। और आलोक इंडस्ट्रीज में मेरी बाइंग नीचे की है, मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ मेरी बाइंग नीचे की है, मेरी यहाँ से बाइंग है 20 रुपीज से बाइंग,
1920 के आसपास से। तो अगर ये ब्रेकआउट, कुछ तो चेंज आया है टेक्सटाइल में, आई डोंट नो, अगर ये ब्रेकआउट सक्सेस होता है, आज थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे आ गया, तो ब्रेकआउट आना इम्पोर्टेंट है 30 के ऊपर। अगर होता है तो मार्केट अच्छा पड़े, राइट। फिर ये जो हमने शेयर किया था कॉन्फिडेंस पेट्रो, ये भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। यस, ये सदन पेट्रोकेमिकल मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। फिर AWL तो आज ऊपर है डेफिनेटली। ओके, ये एक रेन इंडस्ट्रीज पूछ रहे थे लोग के कब लेना है भाई। तो देखो मेरी एंट्री मैं बता देता, मेरी एंट्री ये दे दी। हाँ, मेरी यहाँ पे एंट्री है 150 के आसपास, ये दिन पे मैंने एंट्री की 150 के आसपास, राइट। तो 150 भी नहीं, उससे भी नीचे 147 से 150 में मैंने, मीन्स मैं क्या करता हूँ, मैं बाइंग स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, राइट। तो मेरी एवरेज बाइंग अराउंड 150 के नीचे की है। तो अभी आपको नेक्स्ट बाय कहाँ करना है, तो देखो लास्ट टाइम जब यहाँ पे आया था मैं बोला था 170 के आसपास डिप मिलेगी, वहां पे बाय कर, 165 से घूम गया, 165 से घूम गया, राइट। देखो रेन में भी, देखो रेन में ना बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि कब बाय करना, मीन्स थर्ड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा, बहुत सारे लोग बॉटम फिशिंग ट्राई कर रहे थे। मैंने रेन को देखा ही नहीं जब तक, मेरा क्लियर था जब तक के रेन में पैटर्न कंप्लीट नहीं होगा इलियट व्यू का, मैं बाय नहीं कर। और मैंने यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट देख, यहाँ पे क्लियरली पैटर्न मुझे कंप्लीट देखा। लोग बहुत टाइम से यहाँ पे देख रहे थे कि बॉटम हुआ, यहाँ पे देख रहे थे बॉटम हुआ, फिर वापस यहाँ पे लगा उनको बॉटम हुआ, लेकिन मैं बोला नहीं, मुझे नहीं दिख रहा पैटर्न कंप्लीटेड, मैंने यहाँ पे बाइंग की जब पैटर्न कंप्लीट, और अभी हुआ है। अभी यहाँ पे देखो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अभी ये क्या वेव आ रही है, क्या ये 1 2 3 4 5 हुआ है, पॉसिबल है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 1 2 1 2 1 2 वापस, यस। तो देखो अगर जब तक इसके नीचे नहीं जाता तो आपको फ्रेश बाय करना है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो ये स्टॉप लॉस से। मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा 165 के नीचे, क्योंकि मेरा बाइंग, देखो मेरा बाइंग यहाँ पे है, सॉरी मेरा बाइंग यहाँ पे है, तो मैं क्यों, मीन स्टॉप लॉस डर, मैं नहीं डरने वाला। 165 के नीचे जाएगा तब सोचूंगा कि हाँ बेचना है क्या, राइट। क्योंकि मीन जब तक, हाँ लेकिन आप यहाँ पे बाय कर रहे हो फ्रेशली, तो आपका स्टॉप लॉस 165 रखोगे थोड़ा बड़ा रह सकता है स्टॉप लॉस, ये शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट का आप एक बार स्टॉप लॉस रख सकते हो, एक नीचे आता है तो फिर ये यहाँ पे एंट्री मिलेगी 165। अभी आएगा नीचे नहीं आएगा पता नहीं, रिजल्ट कुछ खराब आया है मैंने देखा नहीं, मैं रिजल्ट रिजल्ट देखता नहीं, मैं तो चार्ट देखता हूँ, और चार्ट पे मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है क्लियरली, और ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहा है। तो अगर फेल नहीं होता है, अगर ऊपर चला जाता है यहाँ से, तो बाइंग आएगी स्टॉक में, सिंपल बाइंग इंटरेस्ट भरेगा, यस। और कौन से स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं मेरे पास, यस फिलहाल तो यही है, इतने ही स्टॉक है, आज थोड़ा रेड में ही दिख रहा है ज्यादा स्टॉक। ये एक है शिवम ऑटो टेक, बट थोड़ा केयरफुल रहना क्योंकि मीन्स इसमें वॉल्यूम शायद इतना है नहीं। देखो यहाँ पे भी मल्टी ईयर का ब्रेकआउट लेवल पे आया है, देखो कपन हैंडल पैटर्न बन रहा है, ऑटो एंसिलरी में है, तो अब देख सकते हो इसमें अगर बाइंग मोमेंटम बनता है इसके ऊपर तो अच्छी मोमेंटम आएगी, यस। और फिर मेरे पास देखो ये एक वॉच लिस्ट है दरवास करके, कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक है, तो उसमें शिवम तो है ही, नंदन डेनिम करके एक है, तो इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया, देखो देखो इसमें ऑलरेडी ब्रेकआउट। और ये मीन्स मैंने चेक किया, ये सारे जुड़ियों और पैंटलून्स और इन लोग को, मीन्स इनके कपड़े कौन बनाता है, ये बनाता जो हम स्टोर्स है, आप स्क्रीनर डॉट इन पे जाके देख सकते हो कि मीन्स इसके क्लाइंट्स कौन है, यस। तो मीन्स अभी टेक्सटाइल में कुछ अलग, शायद गवर्नमेंट ने कुछ लाया है तो उसके वजह से मुझे लग रहा है ये आज भागा है। और देखो यहाँ पे इनवर्स एडेड चिल्ड्रंस का ब्रेकआउट आया है, तो मे बी थर्ड वेव में एंटर कर रहा है, देखो 1 और 2 और थर्ड वेव ये एंटर कर रहा है, अच्छी खासी बाइंग हो सकती है नंदन डेनिम, राइट। और फिर फिलाटेक्स भी है,
ये भी शायद थर्ड वेव में एंटर कर रहा है। देखो 1 2 और यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आया है। ये सारे आई थिंक ये भी गुजरात बेस्ड ही है और ऐसे ही जुड़ी सारे ब्रांड्स को कैटर करता है ये। सो कीप वॉच ये स्टॉक में यस, क्योंकि अच्छा ब्रेकआउट आया है। 52 वीक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है, 3 ईयर का ब्रेकआउट आया है, रेंज का 2 ईयर के रेंज का ब्रेकआउट आया है। हाँ ये मेरे बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे लिस्ट में है जो ब्रेकआउट वाले हैं। तो मीन्स इमेजी का है, अशोका बिल्डकॉन है, लेकिन अभी सारे स्टॉक तो आज नहीं करूंगा डिस्कस। इमेजी का देखते क्या हो। इमेजी का तो मीन्स अभी फ्रेश एंट्री थोड़ा रिस्की लग रहा है बहुत, क्योंकि ऊपर आया है राइट। बट नंदन डेनिम है, फिर फिलाटेक्स है, फिर शिवम ऑटोडॉक है राइट। बहुत सारे स्टॉक ऐसे मेरे लिस्ट में रहते हैं, तो आई विल कीप शेयरिंग। फिलहाल कल के लिए लेवल्स है निफ्टी बैंक निफ्टी के, क्या है सिंपल आज का लो या फिर आज का ओपनिंग पॉइंट 170 का। आज का लो 80 के आसपास का, और रादर मैं बोलूंगा 22,090 के आसपास। अगर उसके नीचे जाता है तो खराब हो जाएगा, और 22,170 के ऊपर जाता है तो मार्केट अच्छा है। बैंक निफ्टी के लिए क्या है ये 20 क्या बोला 46,426 नीचे में, और ऊपर में 46,767, यस 767 70 के आसपास, 800 पकड़ लो, 46,800 उसके ऊपर मार्केट अच्छा कर देगा राइट। तब तक वी डोंट नो, क्योंकि पैटर्न है नहीं, कोई भी क्लियर पैटर्न है नहीं मार्केट में, क्लियर पैटर्न है नहीं। जब तक क्लियर पैटर्न आता ही ना, मैं बोलूंगा नहीं कि तेजी आएगी मंदी आएगी। बस मुझे पैटर्न चाहिए, ट्रेड करने के लिए पैटर्न नहीं है तो क्यों ट्रेड करें। ट्रेड करने के लिए पैटर्न होना चाहिए, ऐसे ही कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर रहे कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। पैटर्न तो आने दो भाई, ट्रेडिंग ट्रेडेबल पैटर्न तो आने दो। कैसे ट्रेड करना है वो सीखना है तो कोर्स है हमारा, यू कैन डू दैट यस, यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग विद अस। यस, दिस इज हर्ष दीक्षित साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट।